फिल्मी दुनिया की ड्रीम गर्ल यानी कि अभिनेत्री और मथुरा सांसद हेमा मालिनी अल्प प्रवास पर इंदौर आई, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए एमपी में सीएम शिवराज और यूपी में सीएम योगी के कार्यों की जमकर सराहना की। देखिए रिपोर्ट। अल्प प्रवास पर इंदौर आई अभिनेत्री और मथुरा सांसद हेमा मालिनी ने मीडिया से चर्चा करते हुए इंदौर की जमकर तारीफ की, जहां उन्होंने इंदौर की स्वच्छता का सीक्रेट पता करने की बात कहते हुए सीएम शिवराज के कार्यों की जमकर सराहना की। लेकिन ये जो पिछले 5 साल से जो स्वच्छता का नाम बनाया, ये बहुत बड़ी बात है, प्रशंसनीय है। तो मैं चाहूंगी कि इसका सीक्रेट क्या है, आज पता करेंगे हम। और इंदौर का मुझे बहुत ही पसंद है इसका, और आजकल बहुत ही सुंदर माहौल भी है, दिस वेदर इज सो नाइस। और यहाँ पे बहुत नृत्य का कार्यक्रम भी किया है, हमारे भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम यहाँ पे करके आ रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो बदलाव लेकर आया, जो परिवर्तन किया है, उनको पहले बधाई देना चाहिए, क्योंकि ये जो स्वच्छ भारत जो भी है, इसका जो श्रेय उनको पहले जाता है, उनके नेतृत्व में सब कुछ हुआ है। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही सियासी सुगबुगाहट के बीच इंदौर में हेमा मालिनी सीएम योगी के कार्यों की जमकर सराहना कर रही थी, और उन्होंने कहा कि योगी जी की वजह से मेरा सपना अब साकार हो रहा है। चुनाव नजदीक है तो क्या हुआ, तो अभी हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने इतना अच्छा काम किया है, कर रहे हैं, बेझिझक जो जो काम कर रहे हैं, उसे बहुत ही खुशी होती है कि हमारे जो लीडर हैं ऐसा काम, तो हम लोगों को भी एक प्रोत्साहन मिलती है, तो हम भी बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं मेरे बारे में कह सकती हूँ कि ब्रज तीर्थ विकास परिषद जो योगी जी का सपना था, वो उसके जरिए हम लोग बहुत सारा काम कर पा रहे हैं। पहले भी मैं सांसद थी, जब हमारी सरकार नहीं थी तब इतना नहीं कर पा रही थी, बहुत तकलीफ हो रहा था कि मैं मेरा सपना कैसे पूरा होगा। मेरा सारा सपना अभी साकार हो रहा है योगी जी की वजह से, बिकॉज ही इज एबल टू हेल्प मी अ लॉट इन वॉट एवर इज नेसेसरी फॉर द सिटी, मथुरा शहर के लिए, मथुरा पूरा ब्रज के लिए। और ऊपर से वो कृष्ण की नगरी होने की वजह से मेरा एक स्पेशल प्यार है उस जगह से, प्रेम है। वहीं काशी विश्वनाथ के जीर्णोद्धार के बाद अब मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि के विकास को लेकर उठ रहे सवालों पर जवाब देते हुए हेमा मालिनी ने कहा कि अब मथुरा का विकास करना भी बनता है। राम जन्मभूमि हो गया है, अभी काशी का भी कितना अच्छा उद्धार हुआ है। अभी मैं कल काशी जा रही हूँ, मैं भी जा रही हूँ, बुलाया गया है हमें। नेचुरली मथुरा के भी बहुत ही जरूरी है, उसका भी बनता है। आज तक जो नहीं हुआ है, काफ़ी काम हुआ है। और कृष्ण तो प्रेम और स्नेह का प्रतीक है, उनके लिए उनका जो जन्म स्थल है, उसकी मैं सांसद होने की वजह से मैं यही कहूँगी कि हमारे भी एक भव्य मंदिर होना चाहिए, जो है वैसे तो उसका और भी बहुत सुंदर बना सकते हैं। और जैसा काशी में मोदी जी ने विश्वनाथ मंदिर के सामने इतना अच्छा कॉरिडोर बनाया है, काफ़ी जो जगह को जो डेवलप उन्होंने किया है, जहाँ से आप मंदिर से सीधा गंगा तक देख सकते हैं, ऐसा एक परिवर्तन लाया जो बहुत मुश्किल था। पिछले कई सालों से किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा करना चाहिए, जो उनका एक बहुत अच्छा एक दिव्य दृष्टि है, दूर दृष्टि है, और वो उसके हिसाब से उन्होंने किया है, तो मथुरा में भी ऐसा जरूर होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदौर आई हेमा मालिनी ने कई मुद्दों को लेकर पत्रकारों से चर्चा की, जहां उन्होंने फिल्मी दुनिया से लेकर सियासत तक के कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।